गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो टुडे इज 9 सितंबर फ्राइडे एंड इट्स 6:45 AM एंड वी आर आउटसाइड, वी आर ऑन रोड बिकॉज वी आर गोइंग ऑन अ ट्रिप। ये आशु, वी आर गोइंग टू पहाड़ों में। हम लोग चेल कुफरी जा रहे हैं और हमने 6:45 स्टार्ट किया है फ्रॉम नोएडा एंड अभी फिलहाल ये 8:40 दिखा रहा है। दैट मीन्स अराइवल टाइम इज 3:30। सो लेट्स सी ये कितना ऊपर नीचे होता है। एंड ऑल्सो मैं सोच रही थी कि मैं सिर्फ कुफरी का व्लॉग बनाऊँ, चेल कुफरी का व्लॉग बनाऊँ या फिर रोड का ही बनाऊँ। फिर मैंने सोचा कि मैं रोड ट्रिप का भी व्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि जाने से पहले मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल में सर्च करने की कोशिश करी थी जिसमें उन्होंने रोड ट्रिप के बारे में दिया हो कि कैसा है रास्ता, क्या है रास्ते में, कैसा रहेगा आना जाना, वो मुझे थोड़ा सा कम लगा। सो मैं एक वीडियो पूरी सिर्फ अपनी रोड ट्रिप के ऊपर बनाना चाहती हूँ, सो दैट अगर इन फ्यूचर में किसी को ट्रैवल करना है तो उनको हेल्प मिल सके। सो या दैट इज़ वॉट वी आर गोइंग टू डू। सो हम मेरठ हाईवे पे आ गए हैं, मेरठ दिल्ली हाईवे जो है। सो नोएडा से जब एग्ज़िट करते हैं तो एक जगह आपको ऐसे गोल टर्न लेने के लिए बोलता है, मैप में दिखाई जेपी कॉलेज के पास में वहाँ पे एक राउंड टर्न लेने के लिए बोलता है। वो एक्चुअली अंडर पास है, मैप में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप अंडर पास जाके वो गोल चक्कर नहीं लेते हो तो आपको पूरा घूम के ऊपर से आना पड़ता है, विच एज इन अप्रॉक्सीमेटली 5 to 8 minutes इन टू योर जर्नी। सो यू मेक श्योर कि जब भी आप नोएडा से एग्जिट ले रहे हो जेपी कॉलेज के पास में, जो वो गोल चक्कर मैप पे दिखाता है वो आपके अंडर पास से है, ना कि ऊपर से। एंड यस, हियर वी आर ऑन मेरठ हाईवे। होपफुली हमारी अभी तक की जर्नी तो स्मूथ ही है, आगे भी स्मूथ रहे बिकॉज टुडे इज फ्राइडे। लेट्स सी हाउ इट गोज। सो हम मेरठ हाईवे पे आ गए हैं और अभी आपने देखा होगा एक बोर्ड पास हुआ है सोनीपत का। सो हम सोनीपत की तरफ जाएंगे। ईस्टर्न पेरिफेरी रोड अभी आगे से जाके लेफ्ट है, 700 मीटर पे हम लेफ्ट टर्न ले लेंगे और हम सोनीपत की तरफ ईस्टर्न पेरिफेरी निकल जाएंगे। तो बेसिकली जब हम हिमाचल जाते हैं तो अगर आप नोएडा से निकल रहे हो, मुझे नहीं लगता अगर दिल्ली से निकल रहे हैं तो यही सेम रास्ता है, कोई और रास्ता भी हो सकता है, बट अगर आप नोएडा से हो सो इट विल टेक यू टू सोनीपत वाया ईस्टर्न पेरिफेरी और उसके बाद वहाँ से हम पंजाब एंटर करेंगे। सो हियर वी कैन सी द लेफ्ट साइन फॉर सोनीपत हरिद्वार। हरिद्वार सीधे हैं, सोनीपत लेफ्ट है, मेक श्योर यू डू नॉट मिस दिस लेफ्ट। अरे ये क्या टोल है? हाँ टोल है। तो यार एक बार बस हम लोग जब उधर जाते जिम कॉर्बेट तो भी हम लोग इस तरह घुस गए थे ना सोनीपत वाले रास्ते से? नहीं, हम सीधा गए थे सोनीपत जब हम लोग अकेले गए थे। रुको बताती हूँ। सो टोल है यहाँ पे और कितने का होगा वो मैं बाद में चेक करके समवेयर द साइड में डाल दूंगी। फोन लगाने के लिए कुछ। सो दिस इज द सेकेंड टोल सोनीपत का ही है ये, और आई थिंक सोनीपत रोड एंड हो रही होगी ना, पेरिफेरी एंड हो रही है, पेरिफेरी जो है वो एंड हो रही है। नाउ वी हैव अ सेकंड टोल, फास्ट टैग है ये। विल मैं टोटल इन टोटल जितना लगेगा टोल फेयर आने जाने का अब मैं मेंशन कर दूंगी अपने ब्लॉग नीचे कहीं पे या फिर वीडियो में ही। सोनीपत का टोल जैसे ही क्रॉस करते हैं हम, वैसे ही आपको आगे जाके एक सोनीपत के लिए कट मिलेगा जो आपको सोनीपत सिटी में लेके जाएगा, एंड सेकेंड कट इज फ्रॉम अम्बाला पानीपत, और वही कट हम अभी लेने वाले हैं। सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स पानीपत एंड अम्बाला। सो वी आर हियर एट आइकॉनिक अमरीक सुखदेव द ढाबा। मतलब इतने सालों के दिल्ली में रहते हुए पर कभी मैं मूर्थर और अमरीक नहीं आई हूँ। सो
अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे सुखदेव पे। सो दिस इज अभी द ढाबा। सुबह 8:30 बजे ये जैम पैक्ड है। What are you eating? Butter. This is white butter. Is it tasty? Okay. आलू के पराठे हैं क्या इधर? So this is paneer का पराठा with white butter on it. कैसा है टेस्ट में? गरम है? एप्रिल 21 से। दिस इज आवर थर्ड टोल और हमने अंबाला मतलब आई थिंक ये पंजाब में एंटर करने के लिए है ना, चंडीगढ़ अंबाला वाली रोड पे ही है और ये पंजाब एंटर करने के लिए टोल है। सो और ये एक और टोल, चौथा टोल है और अभी हम पंजाब एंटर नहीं हुए हैं जहाँ तक मुझे लगता है। पानीपत, ये पानीपत का ही टोल है अभी भी। ये आ गया है फिफ्थ टोल। घूड़े विच पिया सी रोंदा वेख बापू जी ने। So this is the fifth toll here और यहाँ से दिखा रहा है शिमला 113 किलोमीटर। और टाइम देखो 113 किलोमीटर के लिए टाइम इज शोइंग 4.5 आवर। नॉट 113 किलोमीटर के लिए, उसके आगे 15 किलोमीटर और है हमारा कुफरी का। तो सो ये है हमारा छठवा टोल, सिक्स टोल, और ये पंजाब का टोल है और आई थिंक ये अंबाला रीजन ये जो है चंडीगढ़ अंबाला रीजन ये ख़त्म हो रहा है और उसका टोल ही है। सो नेक्स्ट अपडेट, हम लोग हिमाचल पहुंच चुके हैं और ये जस्ट एंट्रेंस है और पहाड़ भी दिखने शुरू हो चुके हैं। आप पकड़ के रखो। सो हम हिमाचल एंटर कर चुके हैं और यहाँ पे ये रास्ता ऐसा शुरू हो चुका है और हमें अभी 3:20 पहुँचने को दिखा रहा है। तो हमें 3 घंटे तक आपको अभी ऐसे ड्राइव करना है। सो वी टुक अ कॉफी ब्रेक एंड नाउ वी आर अगेन हेडेड टू आर डेस्टिनेशन। टाइम पहले 4:30 था, अभी 5:00 हो गया है, बट इट्स ओके। सो हम पहाड़ों पे चक्कर लगाते हुए जा रहे हैं और ये देखो साइड में क्या हालत हो रखी है, मतलब काफ़ी लैंडस्लाइडिंग वगैरह हो चुकी है यहाँ पे और बहुत सारा जो रास्ता है वो डैमेज हुआ हुआ है। मतलब काफ़ी सारा जो पार्ट है वो ठीक है बट काफ़ी सारा पार्ट जो है वो ख़राब है। तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू हिमाचल सम टाइम इन सेप्टेम्बर और अक्टूबर तो आप देख लो, क्योंकि मतलब इतना भी ट्रैफिक या रास्ता से ख़राब तो नहीं है कि आप गाड़ी नहीं चला पा रहे हो, वो पैच में ख़राब है। बट येस अगर आई थिंक अगर बारिश हो जाती है इन बिटवीन तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे ट्रैवल करना, बट अदरवाइज इट्स ओके। तो यहाँ पे भी लैंडस्लाइड हुआ है शायद से और काफ़ी जगहों पे रास्तों में ऐसा हो रहा है कि मतलब जो 2 लेन है उसमें 1 लेन कम्प्लीटली कवर्ड हो रखी है ये डिब्रीज से। और ये आगे हम पहाड़ों की तरफ जाते हैं। सो
हम लोग अभी शिमला से 10 किलोमीटर दूर है, मतलब एक बोर्ड पे हमने देखा था शिमला इज शोइंग 10 किलोमीटर अवे, और हम शिमला नहीं जाएंगे, हम शिमला से बाईपास ले लेंगे, मतलब शिमला 10 किलोमीटर पे है और ये कुछ 6.5 किलोमीटर पे हमें गूगल मैप लेफ्ट लेने के लिए बोला, दैट मीन्स वी विल बाईपास शिमला। और अभी बज रहे हैं शाम के 4, जो हमारा एस्टिमेटेड अराइवल टाइम था वो 3:30 था। ऑफकोर्स हम लेट हो गए क्योंकि हमने एक जगह ब्रेकफास्ट ब्रेक लिया था एंड देन अगेन वी टुक अ कॉफ़ी ब्रेक, तो वो एक्सटेंड हो गया है एंड इट इज़ स्टिल शोइंग अस अराउंड 1 hour 20 minutes, तो कुछ 5:20 का अराइवल टाइम दिखा रहा है। देखते हैं कि अब हम कब तक पहुँचते हैं। एंड इट्स 4:00 एंड इतना मिस्टी हो गया, ये देखो आप शिमला में, और ऊपर मौसम कैसा होगा वो तो आप गेस कर ही सकते हो। एंड इट्स रियली रियली नाइस। सो हम लोग शिमला को बाईपास करते हुए कुफरी की तरफ जा रहे हैं और रास्ता अभी तक काफ़ी अच्छा ही दिख रहा है। सो एज आई टोल्ड यू कुफरी यहाँ से 20 किलोमीटर्स है, जिसके लिए 1 घंटे का रास्ता दिखा रहा है और उसमें भी मैप में काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो रेड शो कर रहा है, तो लेट्स सी कितनी देर में हम पहुँचते हैं। सो कुफरी जाने के लिए हमने आगे है। ये हमारी मिनी टनल, मिनी अटल टनल जा रही है। अच्छा, सो लेटेस्ट अपडेट, वी आर अबाउट टू रीच आर होटल कुफरी, तो हम पहुंच गए हैं, अभी भी 7 मिनट्स दिखा रहा है और ट्रैफिक करते 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 हम 6 बजे पहुंचेंगे अपने होटल। एंड इट लिटरली टुक अस 11 hours, हमने 6:45 पर स्टार्ट किया था एंड अगेन 5:45 के अराउंड हम लोग पहुँचने वाले हैं। एंड यस, वाओ, ऐसे मिस्टिक हो रखा है यहाँ पे, फॉग हो रहा है और बाहर अच्छी ठंडी हवा चल रही है, रात को टेम्परेचर डाउन होने वाला है, मज़ा आएगा। फाइनली रीच आर होटल एग्जैक्ट 5:45 पे, तो हमें 11 hours लग गए। हियर वी आर, सो यस वी हैव रीच आर होटल और काफ़ी टाइट सम जर्नी हो गई थी हमारी आज की। सो आई विल एंड टुडेज व्लॉग हियर ओनली, और बाकी हमारा स्टे और होटल और घूमने का जो व्लॉग है वो आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। एंड सो स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा और आप चाहते हैं मैं ऐसी वीडियो आगे बनाती रहूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ कॉमेंट कीजिए एंड लाइक कीजिए वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।